वरदान इंटरप्राइजेस, खेती में मजबूत आधार का दूसरा नाम। हमारे यहाँ ड्रिप फिनोलेक्स, पीवी पाइप फिनोलेक्स, मोटर पंप, फ्लोटेक कंपनी की मोटर, उद्यानिकी एवं कृषि विभाग में सब्सिडी में प्रकरण तैयार करके देने की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता वरदान इंटरप्राइजेस, जलाराम मंदिर के सामने, पांडुर्ना नागरिक सहकारी बैंक के बाजू में, पांडुर्ना। मौज मस्ती चाहिए, शिव तीर्थ आइए सातपुड़ा के हिल स्टेशन पर। डैम वैली जंगल से घिरा विदर्भ का सबसे बड़ा, सबसे अलग बेस्ट पिकनिक स्पॉट, वाटर पार्क के साथ बोटिंग, एग्रो एडवेंचर इत्यादि। विदर्भ में पहली बार मुंबई गोवा वाली बोटिंग, इसीलिए मुंबई गोवा छोड़िए, शिव तीर्थ आइए। स्कूल, फैमिली, ऑफिस पिकनिक, बर्थडे, शादी, नाइट कैंपिंग के लिए सबसे बेस्ट पिकनिक स्पॉट। हमारा पता उमरी डैम, सावनेर, नागपुर। जल्दी संपर्क करें, भूल ना जाना शिव तीर्थाना। तहसील में 24 सिंचाई तालाबों की नहरों का रखरखाव करने जल संसाधन विभाग को अन्य विभागों से मिन्नतें करनी पड़ रही है। चुनाव में जिस किसान की बात सबसे पहले होती है, उस किसान के खेत तक पानी पहुंचाने वाली नहरों की सुरक्षा के लिए गठित होने वाली जल उपभोक्ता संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए सरकार के पास समय नहीं है। वर्ष 2019-20 में ही जल उपभोक्ता संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, जिसके बाद रखरखाव करने की जिम्मेदारी विभाग के अधिकारियों पर आ गई है। एक तो सीमित संख्या में विभाग के इंजीनियर बचे हैं जिन पर 24 सिंचाई तालाबों की जिम्मेदारियां है। ऊपर से चुनाव नहीं होने के कारण नहरों के रखरखाव के लिए दूसरे विभागों से अलग से पत्राचार करने पड़ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार जल संसाधन विभाग ने मनरेगा से रखरखाव के लिए 50,000 रुपए की मांग की थी, जो कि उन्हें दी गई है। रबी सीजन में सभी सिंचाई परियोजनाओं से खेतों में पानी पहुंचाने का काम चल रहा है। नहरों के रखरखाव के लिए शासन से जो राशि प्राप्त होती है, उससे पूरी तरीके से नहरों की साफ सफाई हो नहीं पाती, इसलिए अतिरिक्त राशि के लिए मनरेगा से प्राप्त राशि से नहरों का साफ सफाई करनी पड़ती है। जल उपभोक्ता संस्थाओं के खातों में 120 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से वार्षिक रखरखाव के लिए राशि भेजी जाती थी। यह पिछले 5 वर्ष पुरानी दर है। 2019-20 में जल उपभोक्ता संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अभी तक चुनाव नहीं होने से इस राशि में बढ़ोतरी नहीं हो सकी है। इस वर्ष संस्थाओं के खातों में 80 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राशि प्रदान की गई है। वर्तमान में मजदूरी दर बढ़ने से इस राशि से नहरों की सिर्फ साफ सफाई हो सकी है। जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नहरों का यथासंभव संचालन करने के लिए अन्य विभागों से सामंजस्य बैठाकर कर्तव्य निभाने पड़ रहे हैं। नहरों की घास सफाई, मिट्टी का कार्य, पेट्रोलिंग का कार्य में लगभग 4 गुना राशि खर्च हो जाती है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर किसानों की ओर से अब तक किसी जनप्रतिनिधि ने आवाज नहीं उठाई है। शहर के वार्ड क्रमांक 25 जवाहर वार्ड की 11 खोली क्षेत्र को रामनगर घोषित करने की मांग वार्डवासियों की ओर से पार्षद दुर्गेश उइके ने की है। पार्षद ने बताया कि वार्डवासियों ने अपनी भावनाएं व्यक्त कर रामनगर बनाने की मांग की थी। रविवार को वार्ड के प्रमुख स्थानों और महत्वपूर्ण गलियों के नामकरण कर बोर्ड लगाए गए। इस नई व्यवस्था का उद्घाटन खुद नगर पालिका के अध्यक्ष संदीप घाटोड़े, उपाध्यक्ष ताहिर पटेल और कांग्रेस के नेता उज्ज्वल सिंह चौहान द्वारा किया गया। पार्षद दुर्गेश उइके ने बताया कि SDM के नाम ज्ञापन सौंपकर इस क्षेत्र का नाम संशोधित कर रामनगर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की मांग की गई है। आज नगर पालिका अध्यक्ष जी के शुभ हाथों से हम सभी ने हमारे वार्ड का, हमारे क्षेत्र का, हमारे मोहल्ले, हमारे वार्ड का नाम हमने रामनगर किया है और पूरी आशा और विश्वास के साथ में हम नगर पालिका अध्यक्ष जी से, सम्मानीय आदरणीय संदीप घाटोड़ी जी से हम निवेदन करना चाहते हैं और प्रार्थना करना चाहते हैं कि बहुत जल्दी नाम का संशोधन करके और राजस्व रिकॉर्ड में रामनगर का नाम अंकित कर रिकॉर्ड में चढ़ाएं।